देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। आजमगढ़ के गेलवारा में पूर्व मंत्री और मऊ घोसी से सपा विधायक दारा सिंह चौहान की आवास पर उनकी मां के त्रयोदशी संस्कार में पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जल्द ही आजम खान जेल से छूटेंगे। समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से राष्ट्रद्रोह का दुरुपयोग हो रहा है और ये खासतौर से गरीब और मुसलमानों को लक्ष्य बना रही है। ज्ञानवापी मामला हो या राज ठाकरे का, सब कुछ बीजेपी के एजेंडे के अनुसार चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में गेहूँ खरीद सरकार नहीं कर रही बल्कि 4 कंपनियों के जरिए गेहूँ खरीदा जा रहा है। उनका कहना था कि आटा काफी महंगा बेचा जाएगा। उत्तर प्रदेश का भूसा दूसरे प्रदेशों को बेचा जा रहा है जिससे पशुओं के लिए बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। उनका आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता दलाली कर रही हैं। बुलडोजर सिर्फ गरीब और अन्य लोगों पर चल रहा है। अवैध निर्माणों को देखा जाए तो सबसे अधिक अवैध निर्माण भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हैं। आजमगढ़ में काफी कई साल पहले बने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मुस्लिम यूनिवर्सिटी अशरफिया की दीवार को ढहा दिया गया। ये जानबूझ करके एक वर्ग को चिन्हित कर किया जाता है। उन्होंने दावा किया कि भारत की हालत श्रीलंका से भी बुरी हो सकती है अगर राशन ना दिया जाए। जिस प्रकार से महंगाई बेकाबू है उससे पूरे भारत के हालात खराब हो सकते हैं। वहीं अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि उनके पूर्व संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के उपचुनाव में आजमगढ़ का कोई उम्मीदवार लड़ेगा या नहीं, ये वहाँ की जनता से बात करके तय किया जाएगा। बीजेपी जानती है कि कौन से विवाद को स्पॉन्सर करना है, बीजेपी ये जानती है कौन से विवाद को फाइनेंस करना है। ये नए तरह की राजनीति है कि बीजेपी हर जगह रहना चाहती है। ये बीजेपी ने जानबूझ करके समाज में कैसे नफरत फैले उस दिशा में जा रहे हैं और जानबूझ करके लोगों के बीच में और खासकर मुस्लिम भाइयों के बीच में डर पैदा हो, इसलिए ये इस तरह के काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले हैं जिसमें ये कहा गया है कि पुरानी चीजों से छेड़खानी नहीं हो सकती। क्या उन कानून को भी बीजेपी नहीं मानेगी? और हम तो कोर्ट से अपील और निवेदन कर सकते हैं कि कोई ऐसा काम ना हो, ऐसा फैसला ना हो जिसमें खाई पैदा हो। ये जानबूझ करके सरकार पर बजट नहीं है, पैसा नहीं है, किसानों को नहीं देना चाहते हैं और इसी तरीके से राशन के ये तरीका ढूंढ रहे हैं कि राशन गरीबों का कैसे बंद किया जाए।